साउथ के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म आप सिर्फ थिएटर में ही देखना पसंद करोगे, तो उन्हीं में से आज एक ऐसे एक्टर की फिल्म रिलीज हुई जो पर्सनली मेरे फेवरेट है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं आपको कोई बायस रिव्यू नहीं करने वाला, जैसी फिल्म थी मैं आपको वैसे ही बताऊंगा ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करता, लेकिन आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे यार अरहान एंटरटेनमेंट पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब हो जाओ, साथ ही बेल आइकन है उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देना। और सबसे अहम बात यह है कि प्लीज 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 इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में एक नया रिव्यूअर आ चुका है जो कि हर लैंग्वेज की मूवीज का मोस्टली रिव्यू करता है। और मोस्टली उन फिल्मों का रिव्यू तो मैं जरूर करता जिसका जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते, और इस फिल्म के लिए भी काफी लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि धनुष की मैंने पिछली मूवी जो रिलीज हुई थी असुरन उसका भी मैंने रिव्यू किया था, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था उस बात को, और वो फिल्म एक नंबर थी वो नो डाउट है। लेकिन 2020 की धनुष की पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है पटस, ये मूवी तमिल मूवी है और ये तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है, ये हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। मैं जिस थिएटर में इस मूवी को देख रहा था तो उसमें तमिल लैंग्वेज में थी, सबटाइटल बिल्कुल नहीं था, इसलिए मुझे डायलॉग तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो फिल्म थी वो फिल्म मुझे समझ में आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि कहानी काफी प्रेडिक्टेबल थी लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि धनुष का जो परफॉर्मेंस है स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको मजा आ जाएगा। इसमें आपको धनुष डबल रोल में नजर आते, यानी कि बाप और बेटे के रोल में नजर आते। इस मूवी को डायरेक्ट किया धुरिया सेंडिल कुमार ने, धनुष की इनके साथ दूसरी मूवी आफ्टर कोडी। ये मूवी की जो सबसे बेस्ट यूएसपी है वो है इसका मार्शल आर्ट, ये एक मार्शल आर्ट मूवी है मैं आपको पहले बता दूं। और इसमें जो मार्शल आर्ट के बारे में बताया उस मार्शल आर्ट का नाम है एडी मुराई, और ये मार्शल आर्ट आज का नहीं, ये एशियन टाइम का है। इस मार्शल आर्ट को चोलास और पांड्यास भी करते थे, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सब आपको फिल्म में भी देखने को मिल जाएगा। खैर इस मूवी की कहानी की बात करो तो ये एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है, इसमें बेसिकली यही पता, इससे पहले भी आपने रिवेंज ड्रामा की बहुत सारी फिल्म देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अलग और अच्छी चीज है वो है धनुष। धनुष ने बेटे के रोल में भी बहुत ही अच्छा काम किया और बाप के रोल में भी बहुत अच्छा काम किया। तो फर्स्ट हाफ में आपको जो बेटा धनुष है वो नजर आता है और कॉमेडी सीन्स आपको देखने को मिलते हैं, प्लस जो माँ किस तरीके से अपना रिवेंज ले रही है, मतलब उसके हस्बैंड को किसने मारा तो उससे बदला किस तरीके से ले रही है, वो आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा। और इंटरवल से ठीक पहले माँ बेटे का मिलाप हो जाता है। अब इंटरवल के बाद आपको जो धनुष है जो उसके फादर थे उनका रोल आपको नजर आएगा, और धनुष एक ऐसे एक्टर है जो एक 20 साल के लड़के का भी रोल बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले करते हैं और 50 साल के आदमी का भी रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले करते हैं। ये एक ही एक्टर है जिसने दो अलग अलग रोल प्ले किया और इतना जबरदस्त किया कि मैं यहाँ पर आपको तारीफ ही नहीं करता था। हाँ कहानी काफी प्रेडिक्टेबल है लेकिन जो इसमें मार्शल आर्ट बताया वो मार्शल आर्ट इस फिल्म की जान है। इस फिल्म के लिए धनुष और स्नेहा ने काफी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी, और जब वो लोग परफॉर्म करते इस फिल्म में अगर आप उनके एक्शन सीक्वेंस देखोगे चाहे धनुष के हो या स्नेहा के हो इतना परफेक्टली उन दोनों ने प्ले किया कि आप कहीं से भी आप ये बता नहीं पाओगे कि ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो मूव होते हैं उन लोगों के बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया, डायरेक्शन भी मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं जो अच्छी बात बोलूँ तो इसके डांस मूव धनुष के कमाल है। स्टार्टिंग जो इंटरवल से पहले जो दो गाने हैं उसमें धनुष ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डांस किया, और गाने मुझे वर्डिंग तो समझ में नहीं आते लेकिन जिस तरीके से गाने को पिक्चराइज किया बहुत ही सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पर्सनली इस मूवी को देखकर एंटरटेन हुआ, हालांकि काफी प्रिडिक्ट कर रहा था मैं ऑलरेडी कि अब क्या होगा अब क्या होगा ये सब कुछ मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी धनुष का परफॉर्मेंस पूरी की पूरी फिल्म की जान है, स्टार्ट से लेके एंड तक आप कहीं भी बोर होते नहीं हो। हाँ विलन के रोल की बात करो तो नवीन चंद्रा इसमें हमें विलन के रोल में नजर आते, उनका भी काम बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें आपको नासिर भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आते, वो आपको इंटरवल के बाद ही नजर आएंगे। तो कुल मिला के जितने भी स्टार का चाहे धनुष हो चाहे स्नेहा हो चाहे मेहरीन हो चाहे नासिर हो चाहे नवीन चंद्रा हो सभी का किरदार बहुत अच्छा, सभी का रोल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस मूवी में आपको इतने सारे मोमेंट्स मिल जाएंगे जहां पर आप सीटी और ताली बजाओगे, आप थ्रू आउट वे एंजॉय करोगे, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती फिर भी आप एंजॉय करोगे। धनुष के डायलॉग बोलने का तरीका, उनके डांस करने का तरीका और जिस तरीके से वो एक्शन करते हुए नजर आते आपको इस फिल्म में बहुत ही पैसा वसूल है। कहानी काफी प्रेडिक्टेबल है नो डाउट। तो बस यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको ये मूवी जाके देखनी तो आप जरूर जाके देखिए, ये आपका पैसा वेस्ट नहीं करती। अगर आप धनुष के फैन हो तो आप 100% ये मूवी जाके ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को दबा के शेयर करो। इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। मैं हूँ राशिश शेख, टिल देन दुआ में याद रखना लेता है कि नहीं, बस यही कहानी। लेकिन ये कहानी कितनी, ये इस मूवी की कहानी की बात करो तो ये एक रिवेंज ड्रामा, यानी कि बाप के खून का बदला बेटा कैसा लेता है और क्यों ले, आपको बताए अगर
ये आज का मार्शल आर्ट, ये मार्शल आर्ट आज का नहीं, ये एशियंट, ये एशियंट के दौर का है। इस मार्शल आर्ट को चोलास और पांड्यास भी करते थे। यार आप लोग सोचोगे कि यार ये मुझे मालूम है कि चोलास और पांड्यास भी करते थे, तो भाई मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन है ये गूगल से लिया कि चोलास और पांड्यास भी करते थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में भी आपको बताया जाएगा कि इस मार्शल आर्ट को चोलास और पांड्यास भी करते थे। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेट मुझे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस के और मैं उतना मुझे मोटिवेशन